हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रंजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे फुटवेयर रिव्यूज। सबसे पहले गाइस अपने इंट्रो देंगे, ठीक है? आप पहले इंट्रो दो। गाइस वो इंट्रो इतना भी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है भाई, बट एटलीस्ट आई ट्राइड। एंड गाइस अब मानो मेरी बात, आई एम डूइंग बिजनेस, ठीक है? उसके बाद भी मैं टाइम निकल के वीडियो शूट करता हूँ और उसके बाद इतना ज्यादा टाइम मेरे पास एडिटिंग में नहीं होता, तो मैं बहुत ही ज्यादा जो तामझाम वाली एडिटिंग होती है मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने कंटेंट रखने की कोशिश करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर एक्सेप्टिंग माय चैनल एज इट इज, मोर ऑफ कंटेंट एंड लेस ऑफ एडिटिंग। एक होता ना कैसे अबैकस की मेरे को काफी सारी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि कैंपस अबैकस को रिव्यू करो, कैंपस अबैकस को रिव्यू करो, तो मैंने भाई दो चीज रखी, ठीक है? मैंने वो चीज को रिव्यू किया, उसके बाद क्या जैसे मैंने वो रिव्यू डाला ना मेरे भाई, उसके बाद वो कैंपस आर्टेमिस की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट आई। भाई कैंपस का एक शूज आया है, कैंपस आर्टेमिस ARTEMIS, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे ही बोलना है कैंपस आर्टेमिस। तो मैंने सोचा भाई काम करते भाई, अपने व्यूअर्स अगर सब्सक्राइबर अगर कुछ बोल रहे ना भाई, तो इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है? उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भाई ये मैंने शूज मंगा लिए है कैंपस आर्टेमिस। ये शूज गाइस मैंने अजियो से मंगाया है और इसके MRP 1899 की, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा प्रीमियम रेंज में ये शूज आता है। उसके अलावा चेकआउट ये गाइस, बॉक्स अगर आप देख रहे ना, तो ये बॉक्स अपने को किस चीज का रिसेंबल करता है आपको पता है? इसके पहले मैंने कौन सा शूज अनबॉक्स किया था, कैंपस अबैकस। यस यू हैड इट राइट, कैंपस अबैकस। इसका बॉक्स और कैंपस अबैकस का जो बॉक्स है ना, दोनों सेम ही है। और एक भाई बता दो भाई, जब बहुत सारे लोग ऐसे अपने चैनल पे आके अपने पॉजिटिव कमेंट्स देखे जाते हैं ना भाई, कि आपका रिव्यू देख के मैंने ये मंगाया, आपका रिव्यू देख के मैंने वो मंगाया एंड दे आर सेटिस्फाइड, तो अब मानो मेरी भाई एकदम जन्नत वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है यार चलो यार दुनिया में आके कुछ तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ये है देखो, ठीक है? मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा गाइस, फटाफट आते इसको अनबॉक्स करते भाई। तो ये है कैंपस का आर्टेमिस शूज, ये जो मैंने मंगाया ना बेसिकली इसका कलर है ग्रे ऑरेंज, ठीक है? डार्क ग्रे ऑरेंज कलर है, इसके MRP 1899 की है। चेक आउट ये द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वही है गाइस, ठीक है? बड़ा बड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको देखते रहना आप। मैंने 8 नंबर मंगाया तो 8 नंबर प्रॉपरली आया हुआ है। बॉक्स कंडीशन देखेंगे तो थोड़ी सी बॉक्स कंडीशन मेरे को उसका वेयर एंड टियर हुआ है, ठीक है? इसको मैं 7 मार्क्स दे सकता हूँ 10 में से। मतलब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये शूज को लेकर। क्यों एक्साइटेड पता है कि जब बहुत सारे लोग एक ही शूज के बारे में बोलते हैं ना भाई, कि कैंपस अबैकस मंगाओ, कैंपस अबैकस मंगाओ, तो वो शूज अच्छा था भाई, इसी शूज के बारे में कैंपस आर्टेमिस मंगाओ, कैंपस आर्टेमिस में आवाज लाइक भाई ऐसा क्या है ये शूज में भाई। तो जब आप इसका फोटो देखोगे ना बेसिकली ऑनलाइन स्टोर्स पे, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी पे भी अजियो वगैरह देखेंगे ना, ये शूज की जो USP थी ना भाई, क्या थी पता है क्या? इसका जो सोल वाला पोर्शन था ना, वो इसकी USP थी। मतलब जैसे ही हम वो देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है भाई ये शूज के सोल में कुछ तो अलग बात है भाई। और वह रेट वाइज भी प्रीमियम था, 1899 का था, उस पर इतना कोई डिस्काउंट वगैरह भी नहीं था, ठीक है? तो आई वाज लाइक यार अगर मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर अगर मेरे डिमांड कर रहे इसका रिव्यू हो, ऐसा नहीं हो यार कि अगर वो ले मेरा बिना मेरा रिव्यू देखे और फिर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं रहे उस चीज को लेकर, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा यार। मैंने चैनल इसीलिए बनाया, आपको पता है यार मैंने चैनल इसीलिए बनाया ताकि मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन दूं अपने चैनल से। और एक बात ये भी देखेंगे ना भाई कि क्या ये शूज कैंपस अबैकस शूज को टक्कर देता है कि नहीं, ठीक है? तो गाइस फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेता हूं मैं, मेरा भाई ये है वो बॉक्स, इसको मैं खोल देता हूं गाइस। मतलब समझ रहे हो क्या, फील द फंक वाली जो ब्रांडिंग जो कैंपस अबैकस में थी, सेम बटर पेपर दे आर यूजिंग इट ओवर हियर। ये है वो शूज गाइस, ये है वो शूज, ये मैंने अपने हाथ में ले लिए भाई। फर्स्ट इंप्रेशन ये ना भाई कि प्रीमियमनेस तो है ये शूज में, ठीक है? मतलब ऐसा लगेगा कि आपने 1800 या 1700 रुपए देखे, अगर डिस्काउंट के बाद 1700-1600 में अगर मिलता होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यू आर पेइंग समथिंग फॉर गुड शूज। इसके अलावा इसमें एक स्ट्रेंज बात ये ना भाई कि इसमें कैरी बैग नहीं है, ठीक है? कैरी बैग नहीं है तो आप बिल्कुल भी नाराज मत होना। यहाँ पे हमें को एक ये ब्रोशियर्स मिल जाता है, ब्रोशियर्स क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं इसको, ये मिल गया आपने बढ़िया। ये बॉक्सों में कर देता हूँ बंद गाइस, और ये इस तरीके से ये शूज है, एक रख देता हूँ नीचे और एक लेता हूँ मेरे हाथ में। ये देखेंगे ना गाइस, पहले अपन ये देखेंगे इसे, क्या देखेंगे पता है क्या? ये जो ग्लोबल गिरी 2.0 जो ये कैंपस लॉन्च किया, भाई तो नजदीक से दिखा देता हूँ। ये जो कंसेप्ट ये लोग लॉन्च किया ना ग्लोबल गिरी के नाम पे, बेसिकली
ये काफी अच्छा चल रहा है इनका, ठीक है। आप काफी सारे शूज या लॉन्चिंग अंडर दिस ब्रांड, और मैं इसमें क्या देख रहा हूँ पता है क्या, कि इसमें इस शूज की काफी अच्छी तरीके से तारीफ की गई है। यू कैन चेक आउट ये कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम करो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, खाप ये लो, अरे भाई रुक जा, ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में पढ़ते रहना आप, और इसका भी ये लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, बाद में आप पढ़ते रहना। तो इस तरीके से गाइस इसमें इसकी तारीफ की गई हो। यू कैन नोटिस ऑन वन थिंग, अबाकस वाला जो ये लिफाफा आया था ना, उसमें यहाँ पे फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग भी, इफ यू कैन नोटिस आउट, ये मैंने अजियो से मंगाया तो कैंपस वाले ने अजियो के लिए भी अलग से प्रिंटिंग कराया। मतलब समझ रहे हो क्या, कैंपस वाला ये कितना ध्यान दे रहा है भाई इस सारी चीजों से। मतलब आप फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो तो यू गेटिंग समथिंग, ये आपको फ्लिपकार्ट का उसमें डाल देंगे, अगर आप अजियो से मंगा रहे हो तो ये आपको अजियो की ब्रांडिंग वाला उसमें डाल देंगे, ठीक है। चलो साइड पर रख देते गाइस, और अभी शूज पे आ जाते हैं, अपन शूज पे आ जाते हैं, ठीक है। अब भाई ये शूज अगर मैं हाथ में लूँ ना भाई, ठीक है, हाथ में लूँ, वेट वाइज बात करूँ तो वेट इसका मेरे को रीजनेबल वेट लग रहा है, ठीक है, मैं इसको मेजर करके ही बताऊंगा आपको एक्जैक्टली इसका वेट क्या है। उसके अलावा मैं क्या देख रहा हूँ शूज में पता है क्या, ये जो डार्क ग्रे एंड ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन दे आर यूजिंग इट ना, मतलब शूज बोलो सैंडल बोलो फुटवेयर में जो ग्रे ऑरेंज का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो हमेशा बहुत ज्यादा बाप होता है, ठीक है, वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले आप इसका कंप्लीट लुक देखो यार, नजदीक से देखो, ये देखो इसका ये कंप्लीट लुक है गाइस, लुक वाइज ये बहुत ज्यादा मतलब प्रीमियम तो है, डेफिनेटली प्रीमियम है, ठीक है। कैंपस इज टेकिंग समथिंग लाइक 1500 के ऊपर की रेंज की जो भी कैंपस के जितने भी शूज वगैरह आते हैं ना, वो आप समझ के चलो यार वो एक प्रीमियम कैटेगरी वाले शूज है, ठीक है। इस शूज की सबसे ज्यादा खासियत बात ये होने वाली है भाई कि इसमें आपको मेमोरी ट्रैक लाइट एंड सोल मिल जाता है, ठीक है। मतलब आपको पता, अगर आप मेरे व्यूअर हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट अबाउट मेमोरी, मतलब मेमोरी ट्रैक लाइट इंसोल होता क्या है, ठीक है। ये मैं सपोर्टर्स निकाल लेता हूं गाइस, और ये देखो आप अंदर की तरफ देख सकते हो, आपको यहाँ पे मेमोरी ट्रैक लाइट इंसोल मिल जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से डेफिनेटली बात है, पैर डालते हो ना तो आपको एक बहुत ज्यादा जन्नत वाली फीलिंग आती है, आपको बाउंसीनेस लगता है और आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे पैसे सही चीज में लगे। चलो मेरे भाई आप क्या देखेंगे, ब्रांडिंग देख लेते गाइस, ठीक है, चेक आउट ये गाइस, यहाँ पे कैंपस का लोगो मिल जाता है आपको। उसके अलावा यहाँ पे टांग पे ना मेरे भाई, रुक जाओ मैं दिखाता हूं आपको, टैंक पे यहाँ पे आपको कैंपस का लोगो मिल जाता है, नजदीक से देख ले मेरे भाई, ये देखो ये कैंपस का लोगो मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा सोल वगैरह पे ना मैं देख रहा हूँ ना, आउटसोल वगैरह पे कभी भी इनकी ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा इंसोल आपने पहले देख लिया था, मेमोरी टैग लाइट लिखा उसके ऊपर कैंपस की ब्रांडिंग है। उसके अलावा टैग में समथिंग, व्हाट यू आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट, आर यू गेटिंग समथिंग डिफरेंट यार, नहीं भाई यहाँ पे सिर्फ मेमोरी टैग लाइट इंसोल वाली ये मिल जाती है, उसके अलावा कैंपस का रेगुलर टैग मिल जाता है, ठीक है। अपरवाइज मैं अगर बात करूँ ना मेरे भाई, अगर ये आर्टिकल का अपरवाइज जो मैश मटेरियल है, सबसे पहली बात ये समझ लो मैश मटेरियल क्या होता है, मैश मटेरियल एक बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, आपको दूसरे चैनल में ऐसे ही बताएंगे भाई, लेकिन आप मेरी बात मानो, दूसरे चैनल देखना कम करो और आरपी रिचवेयर से जुड़ो। एक्चुअली मैश मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है मेरे भाई, जिसके वजह से क्या होता है ना, जो अपर की जो होती है ना, वो अपर बहुत ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। प्रीमियम कैसे होता है पता है, इसमें एक सबसे पहले ब्रीदेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हिट करता है, मतलब इसमें वेंटिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, प्लस ये मटेरियल जो होता है ना, ये टीयर रेजिस्टेंट भी होता है। रेजिस्टेंट डजंट मीन कि ये फटेगा नहीं, लेकिन एक्सीडेंटली अगर आपको कहीं पे लग बग जाए ना, तो ऐसा नहीं होता कि ये फटाक से सारा निकल जाए या कट जाए, ठीक है। और मैश मटेरियल की खासियत ये भी होती है कि ये थोड़ा फ्लेक्सीबल भी होता है एज कम्पेयर टू अदर रेगजीन्स वगैरह जो अपर होते हैं उसमें, ठीक है। अपर डिजाइन पर बात करो ना, बात मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहता हूँ यार, अपर डिजाइन नजदीक से देखो यार, नजदीक से देखो ना अभी, ये जो तरीके से बनता है ना, ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, समझ रहे हो क्या, मेरे को बहुत ज्यादा क्लासी लगता है, क्लासी लगते हुए ऐसा लगता है यार कि मैंने शूज, मतलब ये कैजुअली भी पहनते हैं ना, तो अपने को एक सेटिस्फेक्शन लगता है, ऐसा नहीं लगता कि मैं स्पोर्ट्स शूज खरीदता हूं, मैं स्पोर्ट्स के लिए ही पहनूं, अपने तो सोचते हैं मैं जींस वींस पहना पहनू और निकल लो। नाउ व्हाट अबाउट द यूएसपी ऑफ दिस शूज, यहाँ पे जो उसकी यूएसपी है ना मेरे भाई, आप मानो मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन भाई, ये इसकी यूएसपी है, ठीक है। इफ यू आर पेइंग समथिंग लाइक 1800 रुपए 1700 रुपए, यू आर गेटिंग समथिंग लाइक एकदम यूनिक चीज मिल रही है, ठीक है। इस तरीके का सोल मेरे को नहीं पता आपने कभी ट्राई किया होगा, ट्राई भी किया तो वेरी गुड, मैंने तो अब तक नहीं किया था, ठीक है। आप ये देखो ये सोल का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना, ये सोल पे ही तो अपने पैसे दे रहे हैं यार, समझ रहे हो क्या, वी आर पेइंग, व्हाई वी आर पेइंग सो मच, वी आर पेइंग फॉर दिस बेसिकली। अब इसमें क्या है देखो भाई, इसमें आप अमेजोन पे जाओगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं पे इसमें लिखा है कि ये रबर मटेरियल है, एक जन ने लिखा है कि ये थर्मोप्लास्टिक इलास्ट्रोमल है, बट मेरे भाई कंफ्यूजन मत होना, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा मेरे वीडियो में, एक बहुत दफा यूज किया है ईवा मिडसोल, ठीक है, आपको पता है ईवा मिडसोल क्या होती है, ईवा मिडसोल क्या होती है, काफी एक लाइट वेट कंपाउंडिंग से वो मटेरियल बनता है, सो का एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा होता है उसमें, और बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब वो बाउंसीनेस काफी अच्छी होती है उसमें, ठीक है। तो भाई वो जो मटेरियल होता है ना, ये जो ऑरेंज कलर आप जो देख रहे हो ना अंदर की तरफ, ये इस मटेरियल के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो ऑरेंज मटेरियल ना भाई, वो ईवा मिडसोल है, ठीक है। उसके अलावा क्या, ये जो ग्रे की जो आउटर पार्ट देख रहे हो ना, ये बाहर से जिस तरीके से उसको कवर किया गया है मिडसोल को, जहां तक मुझे पता ना भाई, ये टीपीयू का मटेरियल होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं। और ये भाई इससे क्या हो रहा है ना, ये काफी ज्यादा, मैं नजदीक से आपको फील करके दिखाता हूं मेरे भाई, ये देखो ये चीज देखना ध्यान से, एकदम मजा आएगा आपको,
मतलब ये देख रहे हो क्या, इससे क्या एक साबित होने वाला? देखो जैसे आपका पैर वैर पड़ेगा ना यहाँ पे मेरे भाई, तो ये डेफिनेटली बात है काफी ज्यादा बाउंसी होगा, आप समझ रहे हो? अब मेरे भाई मेरी बात समझना, अगर बाउंसी होगा तो डेफिनेटली बात है अपन जब दौड़ेंगे वाड़ेंगे ना तो अपने को एक एक्स्ट्रा बाउंसीनेस का तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई अगर मैं कॉलर कुशनिंग की बात करूं, कॉलर कुशनिंग काफी ज्यादा गजब है, ठीक है। आपको पता है कैंपस वाले की कॉलर कुशनिंग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, 1500 के आसपास की या उसके ऊपर की रेंज में कॉलर कुशनिंग बहुत ज्यादा बाप आती है। तो गाइस अब रही बात इश्यूज को, अगर मैं कंपेयर करने जाओ कैंपस अबैकस से, तो मेरे भाई मेरी बात कान खोल के सुनना, ठीक है। कैंपस अबैकस वाला शूज मेरे ख्याल से कुछ 2200-2300 रुपए के आसपास उसके एमआरपी है, ठीक है। और ये शूज की एमआरपी है 1899 की। और कैंपस अबैकस वाला शूज जो है ना मेरा भाई, भले वो 2200-2300 रुपए मेरे ख्याल से अराउंड वो 2000 रुपए के आसपास या 2100-2000 के आसपास हमें वो मिलता है, ठीक है, आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट्स एंड ऑल। मेरे को पता है गाइस जब अपन शूज खरीदते हैं ना भाई, अपन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लेके बोले 1500 रुपए का, 1800 रुपए का, 2000 रुपए का। तो भाई आप क्यों टेंशन लेते हो, आप मेरे को कमेंट्स कर दिया करो, आपको जब भी कोई भी कंफ्यूजन होना मैं आपको डेफिनेटली सॉर्ट आउट कर दूंगा। और आप मेरे जितने भी कमेंट्स चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो उस पे मैंने हर टाइम हमेशा हर किसी को रिप्लाई दिया मेरे भाई, which makes my channel 100% reply ratio channel, because I know guys जब किसी को कुछ लेना होता है ना तो वो काफी ज्यादा घाई में होता है, और यार मेरे को कोई फटाफट बता दे तो मैं लूँ ये नहीं लूँ, तो मैं समझता हूँ वो चीज को मैं भी काफी कंसिडर करता हूँ और इमीडिएटली रिप्लाई करता हूँ बंदे को, ठीक है। तो कंपैरिजन ऐसा ना मेरे भाई कि अगर वो 2200-2300 रुपए वाला अगर आपको वो 2000 रुपए तक मिलता होगा ना आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट, और शूज एक ऐसी चीज है ना भाई, देखो मेरे को पता है अपन एक बार लेते तो आराम से मतलब मोर देन 6 मंथ और यू कैन से साल भर भी आराम से चल जाते। तो ऐसा होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि मैं ये शूज अगर अभी ले रहा हूँ दो शूज के बीच में कंपैरिजन करो, तो एक साल बाद जब आप शूज लेंगे डेफिनेटली बात आप वो नहीं लेंगे, तब कुछ नया आया होगा डेफिनेटली बात आप वो लेंगे ना, तो इट्स डेफिनेटली ये बहुत हार्ड कोर डिसीजन हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आपको कि अगर ये 1800-1900 रुपए का आर्टिकल है ना मेरे भाई, अगर ये आर्टिकल आपको आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट्स एंड ऑल अगर मतलब 1600-1500 ये बजट में अगर ये आर्टिकल आपको मिलता रहेगा ना, तो मेरे ख्याल से ये कुछ अलग आर्टिकल आप एक्सपीरियंस को डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको समझो ना अगर 1600 में ये मिल रहा है और अगर आपको आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट, ठीक है, आप कुछ सोचो अगर 1600 में ये मिल रहा है और अबैकस आर्टिकल जो है कैंपस ब्रांड का वो अगर आपको 2000 रुपए के आसपास मिल रहा था, ऑलमोस्ट 400-500 रुपए का फर्क है, ठीक है, वो एक बड़ा फर्क हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये इशूज 1800-1900 रुपए के आसपास अगर मिल रहा है ना मेरे भाई, और अगर अबैकस आपको 2000 रुपए के आसपास में मिल रहा होगा, तो मेरे हिसाब से ना बहुत साफ बात करूँ ये आर्टिकल को आप अवॉइड कर सकते हो भाई। अबैकस लो, उसका लुक गाइस बहुत ज्यादा डैम प्रीमियम है और शूज भी बहुत ज्यादा बाप। अब गाइस वो टाइम के भी डेफिनेटली चेक करना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं अपने 2000 रुपए, 2000 नहीं मेरे भाई 1800-1900 या 1700 रुपए डाल के ये शूज लूँ, तो क्या मेरे को इसमें वो वर्थ इट फील होता है या नहीं, ठीक है। तो आप फटाफट इसको पहनेंगे गाइस, आ जाओ। गाइस ये देखो, ये मैंने शूज को पहन लिया है, ठीक है। लुक वाइज आप देख सकते हो गाइस, लुक वाइज काफी ज्यादा प्रीमियम है, मैंने पहले ही कहा आपको, ठीक है। मेमोरी टैगलाइट इनसोल इज ऑफ नेक्स्ट लेवल, ठीक है। आप पैर डालोगे ना तो आपको मैं कहा ना बहुत जन्नत वाली फीलिंग आने। एक चीज है ये नोटिस करना, ये पोर्शन में नोटिस करना, ठीक है। जब मैं इसको प्रेस करूंगा ना तो डेफिनेटली वो बाउंसिंगनेस वो अपने को फील होती रहेगा। आप देख रहे हो इस तरीके से, ये किस तरीके से दब रहा है और वापस अपने शेप में आ रहा है। That simply means, देखो भाई इसमें शॉक एब्जॉर्प्शन वाली जो फीलिंग होती है ना, शॉक एब्जॉर्प्शन जब आप दौड़ते वौड़ते हैं, पत्थर वत्थर अगर बीच में आते हैं तो आपको तकलीफें होती है, तो डेफिनेटली बात है देखो शॉक एब्जॉर्प्शन उसी के लिए बनाया जाता है, ठीक है, कि उससे आपके पैर पे वो इतना वो झटका वाला इफेक्ट आता ना वो नहीं आता है, ठीक है। कंफर्ट कंफर्ट वाइज अगर बात करूँ भाई, तो कंफर्ट वाइज तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना भाई, व्हेन आई से समथिंग आई मीन इट, ठीक है। कंफर्ट डेफिनेटली बहुत बाप है, क्योंकि चेकआउट में जंप कर रहा हूँ ना तो वो जो फीलिंग है ना भाई इसकी, ये जो ये ट्यूब की टीपीयू ट्यूब की जो भी ये है एयर कैप्सूल या जो भी ऐसा होता है, ठीक है, तो वो फील होता है भाई। ये देखो तो गाइस आफ्टर वेयरिंग दिस शूज ना, कंफर्ट वाइज अगर बात करूँ ना, इजिली 9 out of 10 दे सकते हैं अपन इसको, ठीक है। कंफर्ट बहुत डैम ऑसम है, बिकॉज ऑफ वो मेमोरी टैगलाइट इंसोल जो लोग यूज़ करते ना उसकी वजह से तो एकदम मजा आ जाता है ये शूज़ पहनने के बाद में, समझ रहे हो। इसके अलावा जो वो एयर कैप्सूल वाली जो ट्यूब वाली जो फीलिंग है ना वो भी अपने को टोटली फील होती है भाई। आपने देखा मैंने पहले दिया, जब हम जंप करते ना तो भाई वो काफ़ी ऐसा पम्प पम्प करके वो वापस अपने शेप में आ जाता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे सवाल ये है कि अगर वो एयर कैप्सूल वाली जो वो चीज़ है जो टीपी यूज़ करते हैं लोग, वो कितने टाइम तक रहेगा? तो भाई आप मानो मेरी बात, कैंपस है, ठीक है, कोई रोड छाप कंपनी तो है नहीं कि कुछ भी बनाएगा कुछ भी बेचेगा। और स्पोर्ट शूज़ एक ऐसे शूज़ होता है ना मेरे हिसाब से भाई, अगर अपन रीजनेबल यूज़ करते हैं ना उसको तो और आराम से मेरे ख्याल 6 महीना तो प्लस चलता ही है यार। और किसी अच्छे कंपनी के लेते हैं ना भाई तो वो साल साल भर भी आराम से चलता है मेरे हिसाब से। तो डोंट वरी गाइज, ये अगर कंपनी बना रही है तो कुछ सोच समझ के ही बना रही है, और बिक भी रहा है तो कुछ सोच समझ के ही लोग खरीद रहे हैं। ये शूज़ अगर मैं कह रहा हूँ ना आपको 1899 की MRP, अगर आपके 1700 रुपये के आसपास का अगर इसका प्राइस अगर फ्लक्चुएट होता ना मेरे भाई 1600-1700 रुपये के आसपास, तो आप बिंदास लेना, क्योंकि इसके टक्कर के भी काफ़ी और भी शूज़ है
जैसे कि कैंपस शिकागो हो गया, कैंपस नॉर्थ प्लस हो गया, ऐसे काफी सारे स्ट्रेट रन वाला आर्टिकल हो गया, कैंपस फर्स्ट हो गया। बट आई वुड सजेस्ट गाइस उन सब आर्टिकल को ठीक है आप अपने जगह पे कंसिडर कर सकते हैं, बट इसकी जो ट्यूब वाली जो वो फीलिंग है ना भाई, जो एयर कैप्सूल, वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। और डेफिनेटली बात है जब आप दौड़ेंगे ना तो ये ज्यादा आपको एक बाउंसीनेस और आपको शॉक एब्जॉर्प्शन इसमें ज्यादा देखने मिलेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दोज आर्टिकल्स बेसिकली। तो गाइस इस तरीके से मैं अपने चैनल पे फुटवेयर्स को रिव्यू करता हूँ गाइस, तो आई वुड रिक्वेस्ट के ये वीडियो है उसको फॉरवर्ड करो जो कि स्पोर्ट शूज ढूंढ रहा है, ऐसे किसी को भी फॉरवर्ड मत करो, ठीक। और डेफिनेटली बात है वीडियो को लाइक करते डेफिनेटली जाना, चैनल को सब्सक्राइब करने ही ना मेरे भाई, तो सब्सक्राइब कर लेना। पहली दफा मेरा वीडियो देख रहा है ना, पहले मेरे चैनल पर चले जाना, देख लेना मैंने कितने सारे वीडियोस अपलोड किए, सब पे कमेंट्स भी चेक कर लेना लोगों के, उसके बाद जाके सब्सक्राइब करना बस। और अगर फिर भी आपको लगे कि सब्सक्राइब नहीं करना तो फिर इट्स ओके यार, मत करना, ठीक है, लेकिन कुछ लेकर ही जाना मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल। और इसके अलावा मैंने आगे और कैजुअल शूज को भी मंगाया गाइस, तो मैं वो भी अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।